मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनावों का रणभेदी बच चुकी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवपुरी जिले की एक छोटी सी विधानसभा सीट आती है, कोलास विधानसभा। द्वंद्व तो बहुत है इस विधानसभा सीट की, अगर बात की जाए तो द्वंद्व तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों की भी उम्मीद निकल कर सामने आ रही है। लगातार कोलास विधानसभा की राजनीति से थोड़ा मैं परिचय कराना चाहूँगा। कोलास विधानसभा लंबे समय से, अगर जातिगत समीकरणों की अगर बात करें तो एक लंबे समय से जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकटों को ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं संगठन और पार्टी की गतिविधियों को देखते हुए नए चेहरे को लेकर भी बात सामने आ रही है। इसी क्रम में आज हमारे साथ बैठे हैं बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपनी सीढ़ियाँ चढ़कर अपना कदम प्राप्त किया है। संगठन में एक छोटे से कार्यकर्ता से प्रदेश के पदाधिकारी होने तक का दायित्व निभाया है। चाहे वो बंगाल की जंग लड़ी हो, चाहे वो हरियाणा का जुनून सवार कराया हो, तो ऐसे एक नेता है हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी। लेकिन इनकी जड़ें कोलास से जुड़ी हुई, तो आज बात करते हैं इनसे कि किस तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, 20 साल से राजनीतिक गणित कहीं ना कहीं बात 20 साल से सरकार है, सिंधिया जी बीजेपी में आए उसके बाद से समीकरण बदले जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल में स्थितियाँ खराब होंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। 20 साल की सरकार की आप बात करते हैं तो 20 सालों मध्य प्रदेश की दिशा और दशा हमने बदली है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश हमने बनाया है। चाहे बिजली का विषय हो, चाहे सड़क का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो। आप याद कीजिए दिग्विजय सिंह का वो मस्टर बंटाढार युग, जिसमें आपको अगर शिवपुरी से ग्वालियर जाते थे 2.5 से 3 घंटे लगते थे, कब पहुँचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। बिजली कब आएगी कब जाएगी पता नहीं होता, बिजली का आना उस समय चर्चा बनता था। स्कूलों के हाल बेहाल थे, लाइट खम्भे थे पर तार नहीं थे, विद्यालय खुल गए तो शिक्षक नहीं थे, एक प्रकार से अराजकता थी। उस अराजकता से निकलकर जो देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, पहले माननीय उमा भारती जी, बाद बाबूलाल गौर साहब और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक नए मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है। दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में केवल 4500 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 54,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। अगर सिंचाई है तो किसान की आमदनी भी बढ़ी है। उनकी सरकार में 18% ब्याज पर लोन मिलता था, आज -10% पर लोन मिल रहा है। हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान, आप देखिए संबल योजना, जननी सुरक्षा योजना। मध्य प्रदेश में मैंने, मुझे प्रसंग ध्यान है, मेरे गांव में एक दुर्घटना हुई थी। मेरी गांव की एक चाची को बच्चा होना था, रात को 1:30 बजे खटिया पर रखकर उनको बहेरी अस्पताल ले गए, दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। ये मध्य प्रदेश की हालत थी। आज जननी सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस, आप फोन लगाइए 15 से 20 मिनट के पास वाहन पहुँच जाता है। एक मध्य प्रदेश की दिशा दशा हमने बदली है निश्चित तौर पर। दूसरा, हमारा संगठन तंत्र मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा मजबूत है। हम ये कहते हैं कि देश में सबसे अच्छा संगठन अगर भारतीय जनता पार्टी का कहीं है तो मध्य प्रदेश है। और हमने माननीय बी डी शर्मा जी के नेतृत्व में बूथ विस्तारक अभियान, बूथ विस्तारक 2 अभियान और नीचे तक बूथ समिति, पन्ना समिति, तो हमने एक रचना खड़ी की है। निश्चित तौर पर हमारा तंत्र मजबूत है और हमारा लक्ष्य है कि 51% वोट शेयर के साथ हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जैसे गुजरात में चमत्कारिक परिणाम आए, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश इतिहास रचेगा। और कल परसों एक कहीं सर्वे भी आया है तो वो 124 सीट अभी दे रहे हैं, अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की विशेषता है कि वो जब चुनाव आता है तो सब कुछ भूलकर पार्टी जिताने में लगता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तक के 2003 से भी ज़्यादा, 2008 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। कोलास में लगातार चुनावों का दौर रहा है, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को लेके बातचीत हुई, क्योंकि कोलास के आप मूलभूत रहने वाले हैं तो मैं आपसे कोलास की बात विशेष रूप से करना चाहूँगा। जन आशीर्वाद यात्रा भी लगातार शिवपुरी में, अभी कल और परसों 2 दिन लगातार शिवपुरी जिले के अंदर रही, 5 विधानसभाओं में गई, तो क्या लगता है आपको कोलास में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण से उभर कर पार्टी मूल कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान दे रही है, मूल कार्यकर्ता, क्योंकि अभी लगातार एक कोलास के जो रिसेंट विधायक हैं वो बीजेपी में थे, बीजेपी से अब कांग्रेस में चले गए, आपने भी देखा इस चीज़ों को, तो क्या लगता है आपको, क्या फिर आप उस बीजेपी को वहाँ पे डेवलप कर पाएंगे, क्या स्थिति है? कि बीजेपी वहाँ डेवलप है, आप अगर कल के सम्मेलन को गौर से देखते, उस सम्मेलन बड़ी संख्या में आम नागरिक भी थे, भाजपा के कार्यकर्ता भी थे। मैं मंच से देख रहा था ऐसे चेहरे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोलारस में गढ़ा है, जब कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, तब भगवत सिंह यादव जैसे लोग, तब सुशील रघुवंशी जैसे लोग, तब महाराज सिंह रघुवंशी जैसे लोग, तब छविराम रघुवंशी जैसे लोग, तब भरत सिंह यादव जैसे लोग, तब रामस्वरूप रावत रजहरी जैसे लोग, ऐसे अनेक लोग
जो भारतीय जनता पार्टी झंडा थामे थे वो सारे चेहरे मंच की शोभा बढ़ा रहे थे या जनता के बीच में अपना स्थान ग्रहण करके जनता को अपना हौसला बढ़ा रहे थे। भाजपा की जड़ें वहाँ बहुत मजबूत हैं और किसी को गलत फहमी है कि वो कोई जीते थे। कोलारस से जब भी जीती है भारतीय जनता पार्टी जीती है और आगे भी जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। टिकट किसी को मिले मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि कोलारस में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के अब तक के सारे प्रतिमान तोड़ेगी। आपके जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने वर्तमान विधायक जब बीजेपी से कांग्रेस में गए तो उन्होंने कई आरोप प्रत्यारोपों का झड़ी लगा के फेंक दी कि लगातार उन्होंने आरोपों की झड़ी लगाई कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरी पर्सनल कोई सुनवाई नहीं है, सरकार में सुनवाई नहीं है, 50-50% वाली बात, कई बातें ऐसी निकल के सामने आई, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए जो जाता है वो आरोप लगाता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर उनके जाने से ठीक 10 दिन पहले रन्नौद महाविद्यालय का लोकार्पण था, तहसील का भूमि पूजन था, हम दोनों साथ में थे, उनका भाषण आप उठा लीजिए 10 दिन पुराना। सरकार की उन्होंने जो तारीफ की है, विकास की उन्होंने योजनाएं गिनाई हैं, और मैं कल कोलारस में देख रहा था खम्भे पे उनके पुराने बोर्ड लगे हुए थे तो उसमें उन्होंने क्या क्या विकास हुआ है, तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब चूंकि उनको ऐसा लगा कि शायद उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो टिकट नहीं मिलेगा तो उनको लगा कि इस समय जाना ही ठीक है। क्या लगता है आपको अब लगातार, क्योंकि वर्तमान विधायक वहाँ से कांग्रेस में जा चुके हैं, बीजेपी से लगातार कहीं ना कहीं कई नाम निकल के सामने आ रहे हैं, उसमें से एक नाम आपका भी है, क्या लगता है आपको, क्या पार्टी आपके कंधों पे दायित्व देगी? नहीं देखिए, तो पार्टी का पार्लियामेंट वोट तय करेगा, पर अगर पार्टी आपको दायित्व देती है तो आप कोलारस के विकास के क्या आए, हम क्या आपने एक रूपरेखा निर्धारित कर रखी? नहीं, पार्टी दायित्व देगी और जनता आपको जिताती है। आप अगर पिछले 2018 से मेरी भूमिका देख रहे हैं, मैं 2012 तक विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का संगठन मंत्री रहा। जी, बाद में जैसा आपने उल्लेख किया माननीय कैलाश बेवरी के साथ हरियाणा चुनाव, फिर वो पश्चिम बंगाल की जिम्मेवारी थी उनके साथ रहा। बाद में पार्टी ने कहा कि आपको कोलारस पर ध्यान देना है, आपको और मेहनत करनी है। आपको याद होगा कोलारस उपचुनाव, याद है बिल्कुल, आप उस समय साथ साथ में रहते थे मीडिया के बंधु के रूप में। 100 करोड़ से ज़्यादा की घोषणाएँ मेरे प्रयास से, मेरे पास आज भी सारा पत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदर्भ उसमें है, मेरे प्रयास से वहाँ हुई। कोलारस रन्नौद में तहसील बनना चाहिए, रन्नौद नगर परिषद बनना चाहिए, रन्नौद में महाविद्यालय खुलना चाहिए, भद्रवास महाविद्यालय खुलना चाहिए। अभी जिसका लोकार्पण हुआ है लोकवासा से अनंतपुर कर रोड की बात हो, आप लोकवासा से अटूनी रोड की बात हो, जितने विकास के आए हमने उस समय प्रारंभ किए वो आज पूर्णता की ओर है। हम चाहते हैं ये विधानसभा, आपने अभी शब्द कहा छोटी विधानसभा, ये छोटी विधानसभा नहीं है, ये बड़े दिल के लोगों की बड़ी विधानसभा है। 65x45 इसका एरिया है, 3.25 लाख इसमें वोटर हैं, 311 उसमें बूथ हैं, इतने लोगों के विकास का पूरा कंसेप्ट उसमें है। ये वनाच्छादित क्षेत्र है, इसमें माइनिंग की बहुत संभावना है, इसमें अगर कूनो वाली सीरीज बन जाती है तो कृषि की संभावनाएँ बहुत हैं। मैं तो ये चाहता हूँ वहाँ विकास के ऐसे आयाम हों कि मध्य प्रदेश में कोलारस विधानसभा देश में नंबर वन हो, वहाँ कृषि महाविद्यालय खुले, वहाँ कृषि विज्ञान खुले, रन्नौदिया जहाँ भी आगे उचित संभावना बनेगी, ताकि किसान अपनी जमीन का, अपनी भूमि का परीक्षण करा सके और उसके आधार पर नई नई, क्योंकि कृषि आधारित क्षेत्र है तो नई नई फसलें क्या हो सकती है, नए नए प्रयोग क्या हो सकते हैं, और सिंचाई होगी, कृषि होगी। और जिस प्रकार हम कहते हैं माननीय शिवराज सिंह जी के प्रयास से विदिशा सीहोर ये देश में कृषि उत्पादन में नंबर वन बना है, हरदा नंबर वन है माननीय कमल पटेल जी के प्रयास से, तो मैं तो ये चाहूँगा। बगल में लगा हुआ कोलारस विधानसभा से लगा हुआ अशोक नगर है जिसके गेहूं को पूरे देश में माना जाता है, ऐसा नहीं है कृषि से लगा हुआ, अगर निश्चित तौर पर तो हम चाहेंगे कि आप उसके लिए क्या एक आयाम स्थापित करवाएंगे? निश्चित तौर, मैंने कहा ना, मेरी पहली बात कही कृषि महाविद्यालय कोलारस में खुलना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी भी उसमें पढ़ सकें, कृषि विज्ञान वहाँ केंद्र वहाँ खुलना चाहिए ताकि हमारी भूमि का परीक्षण हो सके, लोगों को नए नए कृषि के तरीके मिल सकें और कुछ नई रोजगार की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। अगर मौका मिला तो आप सब जानते ही हैं कि ईश्वर की कृपा से संबंध संपर्क में कोई कमी नहीं है, निश्चित तौर पर रोजगार के नए अवसर कोलारस क्षेत्र को मिलेंगे और किसान की आमदनी दुगनी होगी, और ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जिस गांव के लोग ये कहें कि मेरे यहां विकास की समस्या है। बाकी समस्या तो कोई समाप्त होने वाली नहीं है, पर विकास का एक मॉडल कोलारस विधानसभा बनेगी, ये मेरे मन में है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी, लगातार इनका नाम भी उभरकर कोलारस विधानसभा को लेकर सामने आ रहा है। बीजेपी की सरकार बनेगी इसकी भी ये सुनिश्चित गारंटी ले रहे हैं, और लगातार कहीं ना कहीं कोलारस के लिए एक बड़े आयाम को स्थापित करने के लिए एक बड़ी लंबी लकीर खींचने की बात भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखते रहिए फास्ट समाचार पर। मैं हूं अजराज सक्सेना, शिवपुरी।